हेलो फ्रेंड्स, आज लगभग शराब और बियर बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो गए हैं और इनको बनाने के लिए अलग अलग तरीके भी आ गए हैं। लेकिन फ्रेंड्स, क्या आपने कभी सोचा है कि पहले ज़माने में कैसे बनते थे ये शराब या बियर? तो फ्रेंड्स, चलिए मैं आपको बताता हूँ। फर्मेंटेशन यानी कि किण्वन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम पदार्थों को तोड़कर उनसे कुछ नया बनाते हैं, जैसे शराब, बियर। और फ्रेंड्स, लगभग सभी जैसे अल्कोहलिक पदार्थ होते हैं वो फर्मेंटेशन से ही बनाए जाते हैं और इनको बनाने के लिए दूध, आलू या अंगूर का भी यूज किया जाता है। फ्रेंड्स, हम आपको आपके जानकारी के लिए बता दे कि शराब को बनाना 7000 BC में ही शुरू हो गया था और ये एक चाइना के विलेज जिसका नाम है जियाहू वहाँ पर सबसे पहले शुरू हुआ था। फ्रेंड्स, उस टाइम शराब को बनाने के लिए फल, चावल, हनी और खजूर का भी इस्तेमाल किया जाता था। पहले के शराब की रेसिपी को सुनकर ऐसा लगता है कि वो बहुत हेल्दी हुआ करता होगा। फ्रेंड्स, अगर आप जानना चाहते हैं कि हमारे पूर्वज किस चीज का कैसे आविष्कार किए तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा।